सुप्रभा प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी मैडम क्लास 10 के सभी बच्चों को फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम बड़े भाई साहब पाठ के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इसी को भाग पहले से पढ़ चुके हैं। यह कहानी अत्यंत सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई है। भाषा पूर्ण रूप से पात्र अनुकूल है और कहानी में मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग से सजीवता आ गई है। हमने पिछले क्लास में बड़े भाई साहब के आयु, उनके विशेष स्वभाव, अध्ययनशीलता पर व्यंग, उनकी उपदेश कला तथा परीक्षा परिणाम के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आइए बच्चों देखते हैं आगे क्या होता है। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। अव्वल आने का अर्थ है प्रथम आना। छोटा भाई प्रथम आ जाते हैं और बड़ा भाई साहब फिर से फेल हो जाते हैं। मुझे अचरज हुआ। अचरज का अर्थ है हैरानी। छोटा भाई हैरान हो जाते हैं। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। प्राणांतक का अर्थ बच्चों प्राणों का अंत करने वाला, समझ में आया, यानी कि जी जान से उन्होंने परिश्रम की थी भाई। परंतु कोर्स का एक सब चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे कोर्स से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। कांतिहीन का अर्थ है बच्चों निस्तेज हो जाना, चेहरे पर चमक ना होना। मगर बेचारे फेल हो गए। दिन रात मेहनत करके भी वो फेल हो जाते हैं। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो बहुत रो पड़े और मैं भी रोने लगा। भाई साहब के इस दुख से छोटा भाई भी रो पड़ते हैं। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। लेखक यानी छोटा भाई प्रथम आकर भी वो खुश नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बड़ा भाई इस क्लास में 4 बार फेल हो चुके हैं। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन पीढ़ी की बात कौन टाले। इसका कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, होने को कोई नहीं टाल सकता। समझ गए बच्चों। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। देखो बच्चों, यहाँ पर बड़ा भाई फेल होने पर तो छोटा भाई के मन में दुख है लेकिन कुटिल भावना भी जागृत होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये बड़ा भाई जो हैं बात बात पर लेखक को फटकारते रहते हैं, डांटते रहते हैं। अगर वो बराबर कक्षा में आ जाएंगे तो उन्हें डांट खाने से बच जाएंगे इसीलिए उनके मन में ये कुटिल भावना आती है। उनके मन में ये विचार इसलिए है कि वो फिर किस आधार पर मेरी फर्जियत करेंगे, यानी कि डांट फटकार करेंगे यानी डांटेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। फिर भाई साहब का मन बदल जाता है। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से।
आप लेखक को यह एहसास हो रहा है कि बड़े भाई साहब के उपदेशों की असर से ही वो परीक्षा में सफल होते हैं या फिर प्रथम आते हैं। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब बहुत खुश समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा या नहीं रहा या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। बच्चों, स्वच्छंदता का अर्थ है मनमानी। यहाँ पर बार बार फेल होने पर भाई साहब के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया है और लेखक भी अपने मनमानी करने लगे हैं। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। सहिष्णुता का अर्थ है सहनशीलता। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं ना पढ़ूं, मेरी तकदीर यानी मेरा भाग्य बहुत बलवान है, मेरी किस्मत अच्छी है, मैं ऐसे ही पास हो जाऊंगा चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं। इसीलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकोए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कनकोए का अर्थ बच्चों पतंग। अब वो सारा समय पतंगबाजी की ही फेंट होता था, यानी हर समय वो पतंगबाजी करते थे, पतंग उड़ाते थे, फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। अदब का अर्थ बच्चों सम्मान। और उनकी नज़र बचाकर कनकोए उड़ाता था, साझा देता, कन्नी बांधता, पतंग का टूर्नामेंट की तैयारी या आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। लिहाज यानी कि शर्म। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, अब भी वे बड़े भाई साहब से डरते हैं और उनका सम्मान करते हैं। सहसा भाई साहब की मेरी एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकोआ लूटने बेतहाशा दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। बच्चों, बेतहाशा का अर्थ है बड़ी जोर से। आकाशगामी का अर्थ है आकाश में जाने वाला यात्री, यानी कि यहाँ पर वो जो पतंग है। मंद गति यानी कि धीमी गति, पतन यानी कि गिरावट, विरक्त यानी कि उदासीन भाव से। इसका अर्थ यह बच्चों, जब लेखक पतंग लूटने के लिए आकाश की ओर देखता हुआ दौड़ा जा रहा था, उसकी आंखें आकाश में उड़ने वाली पतंग रूपी यात्री की ओर थी। वह कटी हुई पतंग धीरे धीरे हवा में लहराती हुई नीचे की ओर गिरने को थी। उस समय वह पतंग ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कोई पवित्र आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से धरती पर नया जन्म लेने के लिए उतर रही हो। वह पतंग स्वर्ग से निकली आत्मा के समान बिल्कुल शांत पवित्र लग रही थी। समझ में आ गया बच्चों? सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। सहसा का अर्थ बच्चों अचानक, मुठभेड़ यानी कि भेंट होना। अचानक भाई साहब से भेंट हो जाती है। शायद बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से
बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकुए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चों, उग्र का अर्थ है तीखा, यानी कि प्रचंड गुस्से में, और धेले का अर्थ है आपका बेकार। तो बच्चों, यहाँ पर फिर से भाई साहब के उग्र रूप से नसीहत देना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, तुम्हें इनका भी लिहाज नहीं है कि आप नीची जमात में नहीं हो बल्कि आठवीं जमात में आगे हो, और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग आठवां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिल्चियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कहते ही आठवीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक भी हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम आते हैं। मातहती का अर्थ है बच्चों उनके अधीन में काम करना। और तुम उसी आठवें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो। जहीन का अर्थ है बच्चों प्रतिभाशाली, इसमें शक नहीं, लेकिन बहुत जहन किस काम का, जो हमारे आत्मगौरव को आत्मगौरव की हत्या कर डाले। आत्मगौरव का अर्थ है बच्चों अपनी बढ़ाई, अपनी शान का हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे, और शायद 1 साल के बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझमें और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। तो बच्चों, यहाँ पर बड़े भाई साहब उग्र रूप से अपने छोटे भाई को नसीहत दे रहे हैं। वह बड़ा भाई महत्वाकांक्षी हैं और बड़े होने का सम्मान हमेशा छोटे भाई से चाहते हैं। और बड़े भाई साहब जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बड़े भाई साहब बहुत सारे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, तजुर्बा यानी कि अनुभव है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MA और DPhil और DLit ही क्यों ना हो। यानी तुम कितने ही ऊँचे पदवी में आ जाओ या उच्च शिक्षा ग्रहण कर लो, तो मुझसे तुम बराबरी नहीं कर सकते। वो कहते हैं, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने जो कई दर्जा नहीं पास किया, और दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को जो हमें समझाने का और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का सबसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए हैं आदि, ऐसे बातें यानी चर्चा करते हुए वो बड़े छोटे भाई को वो समझाने की प्रयत्न करते हैं। तो उनकी ज्ञान जिसका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है, चाहे वो पढ़े लिखे हो या हमसे कम पढ़े लिखे हों,
समझ में आ गया बच्चों? देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। हाथ पांव फूलने का अर्थ बच्चों परेशानी में पड़ना या घबरा जाना, यानी कि भगवान ना करे अगर मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो तुम घबरा जाओगे। दादा को ता देने के सिवा तुम्हें कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को ता ना दे वो घबराए ना बदहवास हो। बदहवास का अर्थ बच्चों बेहाल होने से पहले वो मरज पहचान कर इलाज करेंगे, यानी कि बीमारी को पहचान को वो उसका इलाज कर लेंगे। उनमें सफल ना हुए तो फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमार तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते हैं कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे की मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है और धोबी और नाई से मुँह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। नेकनामी का अर्थ है बच्चों सम्मान के साथ। ऐसे ही और एक उदाहरण अपने हेडमास्टर साहब के देते हैं कि हेडमास्टर साहब माने कितनी ही बड़ी क्यों डिग्री हासिल ना किया हो लेकिन घर चलाने का अनुभव उन्हें नहीं है और ये दायित्व उनकी अम्मा ने ले रखी है। फिर भाई साहब उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि भाई जान यह गरूर यानी कि गर्व दिल में से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो, मेरे देखते तुम बेरहा नहा चल पाओगे। बेरहा का अर्थ है बच्चों गलत राहों पर यानी गलत रास्ते पर। अगर तुम यूँ ना मानोगे तो यानी थप्पड़ दिखा कर कहते हैं कि इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है यानी कि बहुत कड़वी लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। नतमस्तक का अर्थ बच्चों सिर झुक जाना। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ। लघुता यानी कि छोटापन, यानी अपने आप को वो बड़े भाई के सामने बहुत छोटा महसूस करते हैं और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आँखों से कहा हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। सजल आँखों से यानी कि उनकी आँखों से पानी निकल आए यानी आंसू निकल आते हैं और वो बड़े विनम्र भाव से बड़े भाई के युक्ति का सम्मान कर रहे हैं। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले मैं कनकोए उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा जी भी ललचाता है लेकिन करूं क्या, खुद बेरहा चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी तो मेरे ही सिर हैं। तो बच्चों इसे यह मालूम होता है कि बड़ा भाई छोटा भाई का हितोषी है और अपने छोटे भाई का भला चाहते हैं, वे निरंतर उसे अच्छाई की ओर प्रेरित करते हैं। वे स्वयं इसी कारण अपने आदर्श स्थिति को बनाए रखने के लिए अपना बचपना खो देते हैं। समझ में आ गया बच्चों? स्वयं से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर ले लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं, उछलकर उनकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो बच्चों यहीं पर हमारी कहानी का अंत होता है। हमें इसे यह प्रेरणा मिलती है कि हम पढ़ाई को सहज रूप से ग्रहण करें, हम उसका माने हवा ना खड़ा करें,
परीक्षा के तनाव में 24 घंटे किताबों में ना घुसा रहे से हमारा दिमाग बंद हो जाता है और पढ़ाई व्यर्थ हो जाता है। पढ़ाई के को रटन की बजाय उसे समझने की कोशिश करें, अपनी समझ को विकसित करें। और यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हम अपनी शक्ति, स्थिति और सीमा को समझें, उसी के अनुरूप व्यवहार करें। यदि हम स्वयं अपने गिरेबान में नहीं जानते किंतु औरों से उम्मीदें करते हैं तो हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। यदि हम स्वयं योग्य नहीं हैं तो हम दूसरों को उपदेश देने का अधिकार भी खो बैठते हैं। ठीक है बच्चों, यहीं पर हमारा पठन समाप्त होता है। इसके आगे हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो बच्चों फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।